क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको बताना है लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये देखिए न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने यहाँ बनाया हुआ आपको समझाने के लिए, पहले से ही बना हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर वन में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बार फिर से याद दिला दूँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसने क्या बोला था कि कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा लोगे तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो रिसेंबल करेगी या सिमिलर होगी किसकी, एट्थ एलिमेंट से। जैसे कि मान लो यहाँ से आपने फ्लोरीन उठाया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, क्लोरीन से, ठीक है ना। इसको सारे गामा पादा नी सा से भी आप समझ सकते हैं, सा फ्लोरीन पे गया सा, तो अब जब नेक्स्ट जिस पे भी सा पड़ेगा उससे फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जैसे सा रे गामा पादा नी और सा, तो फ्लोरीन किससे मैच करेगा केमिकल प्रॉपर्टी में, किससे सिमिलर करेगा, क्लोरीन से। यानी कि जैसी केमिकल प्रॉपर्टी फ्लोरीन की होगी वैसे ही किसकी होगी, क्लोरीन की। आप देख भी सकते हो जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, फ्लोरीन क्या बनाता है, फ्लोरीन क्या बनाता है, फ्लोरीन का हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड भी तो बनता है, ठीक है ना। हाँ, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, सही तो बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऐसे आप पहले देख लो, ऐसे आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम अगर फर्स्ट एलिमेंट हो गया तो सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो रिसेंबल करेगी एट्थ एलिमेंट से। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और ये एट्थ, यानी कि सोडियम की रिसेंबल करेगी किसके साथ, पोटेशियम के साथ। और सही बात तो है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। सोडियम की अगर आप रिएक्शन करोगे वाटर से तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, पोटेशियम की करोगे वाटर से तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो ठीक वो बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूल इसने बताया कि हर एक एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एट से के सिमिलर होगी या किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी एट एलिमेंट से रिसेंबल करेगी, ये जो बताया ये केवल कैल्शियम तक वैलिड था, ठीक है। कैल्शियम के बाद अगर आप ले लोगे, देखो जैसे कैल्शियम है, ठीक है ना, तो कैल्शियम की जो एक प्रॉपर्टी हम आपको दिखाते हैं, कैल्शियम की किसके किसके साथ मैच करनी चाहिए, जिंक के साथ। कैसे, चेक करो, देखो ध्यान चेक करिए बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया सिक्स और यहाँ सेवन्थ और यहाँ हो गया एट्थ, यानी कैल्शियम की जिंक के साथ मैच करेगी। हाँ, चेक कर सकते हो आप, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट बनता है वैसे ही जिंक सल्फेट भी तो बनता है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, चलो यहाँ तक तो मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर आप आगे चले जाएँ, ठीक है ना, कैल्शियम से हायर एलिमेंट लें तो ये देखिए क्रोमियम आ रहा है और ये वाई का मतलब इट्रियम, ठीक है। तो जो कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, चेक करो, ये क्रोमियम है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और ये रे एट्थ, सा रे गा मा पा दा नी सा, कैल्शियम इट्रियम की नहीं मैच करती है, ठीक है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है। इसी तरीके से बच्चों मैंगनीज और आर्सेनिक की नहीं मैच करती है, चेक करो, मैंगनीज और आर्सेनिक, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। तो कैल्शियम से जो हायर एलिमेंट आ रहे थे, कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट मिल रहे थे वो न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे थे, बात समझ में आई कि नहीं। तो आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमने यही दिखाया हुआ आपको, क्या फर्स्ट नहीं कौन सा, हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है क्या, इट वॉज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट। जो भी उसने पूरा अरेंजमेंट बनाया था उस अरेंजमेंट में हर एक एलिमेंट पे ये लॉ नहीं लग रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट केमिकल प्रॉपर्टी में रिसेंबल करेगा किसके साथ, एट्थ एलिमेंट के साथ, हर जगह ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, केवल कैल्शियम तक ही ऐसा होता था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड आफ्टर कैल्शियम, मैंने आपको दिखाया कैल्शियम के बाद जैसे क्रोमियम, टाइटेनियम और मैंगनीज, ये एट्थ एलिमेंट के साथ रिसेंबल नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों आयरन को ले लो आप, आयरन क्या सेलेनियम से कभी रिसेंबल करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। आयरन की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेलेनियम से कभी भी रिसेंबल नहीं करेगी, क्योंकि बच्चों देखो सीधी सी बात है, आज के ज़माने में आपको क्लियरली पता है आयरन क्या है, आयरन क्या है बताइए, आयरन क्या है, आयरन एक मेटल है और सेलेनियम। हाँ तो बच्चों देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी हुई है, तो आज आपको बिल्कुल पता होगा आयरन क्या है, मेटल है, और सेलेनियम क्या है आपका, ऐसी क्या है आपका, मेटलॉइड है। तो इस तरीके से कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि देखो आयरन के साथ जो एट्थ एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सेलेनियम ही तो होगा। देखो सा रे गा मा पा दा नी सा, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो आयरन और सेलेनियम की केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ सिमिलर होती है, आयरन क्या है मेटल है और सेलेनियम क्या है मेटलॉइड है, ये आपने पढ़ा हुआ है आज के ज़माने में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका जो भी अरेंजमेंट था ये हर एक एलिमेंट पे लागू नहीं होता था, ठीक है ना, कैल्शियम के बाद ये लागू नहीं होता था। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड आफ्टर कैल्शियम शोड नो रिसेम्बलेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट अबव, ओके। तो ये चीज़ है, कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट आ रहे हैं जैसे आयरन है, तो आयरन सल्फर से भी आयरन जो है सल्फर से भी मैच नहीं करता है, सल्फर के साथ अगर हम सल्फर को फर्स्ट एलिमेंट माने तो सल्फर के लिए आयरन क्या हो जाएगा आपका, एट्थ एलिमेंट, चेक करो, सा रे गा मा पा दा नी सा,
सल्फर क्या है आपका, सल्फर क्या है नॉन मेटल है, आयरन क्या है मेटल है, कहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है ना। मेटल की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो ये चीज है। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखना है, न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ से इसको नहीं देखना आपको, यहाँ से पढ़ो, न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। न्यूलैंड ने बोला कि भाई केवल 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे और उसने अपने पीरियोडिक टेबल में 50 अपने अरेंजमेंट में 56 एलिमेंट्स ही दिखाए, लेकिन बाद में तो आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हुई धीरे धीरे, ठीक है ना। तो जो भी नए एलिमेंट्स बच्चों खोजे गए वो एलिमेंट्स इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो यही बात हमने लिखी है, न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इनकी कमी क्या थी, अगर आप ध्यान से चेक करें ये वाला कॉलम देखिए जरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया है ना, देखिए कोबाल्ट और निकल को साथ रख दिया, अब एक ही पोजीशन पे दो एलिमेंट कैसे आ जाएंगे, कोबाल्ट और निकल, और रखा तो रखा दोनों को साथ। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि कोबाल्ट और निकल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं बच्चों ना तो क्लोरीन से मैच करेगी ना तो फ्लोरीन से, क्योंकि अगर हम बात करें कि क्लोरीन को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट माने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, तो क्लोरीन की कोबाल्ट और निकल से मैच करनी चाहिए थी, कभी मैच नहीं करेगी, क्योंकि क्लोरीन क्या आपका नॉन मेटल है, हैलोजन फैमिली का है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, और कोबाल्ट और निकल तो आपके मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है ना, जिनको आप कैटलिस्ट के फॉर्म में भी यूज़ करते हो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सब डिटेल में नहीं बात करते, बस सिंपल ये हो गया आपका नॉन मेटल और ये हो गया आपका मेटल। अगर हम कोबाल्ट और निकल को चेक करें, इसको फर्स्ट एलिमेंट माने, चलो मान लो इसको फर्स्ट पोजीशन हम मानते हैं, वैसे दो एलिमेंट रखना ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, तो कोबाल्ट और निकल कहीं ना कहीं बच्चों ब्रोमीन से भी केमिकल रिसेम्बलेंस नहीं दिखाता है, केमिकल प्रॉपर्टी में रिसेम्बलेंस नहीं दिखाता है। कोबाल्ट निकल हो गया आपके मेटल और ब्रोमीन हो गया आपका नॉन मेटल, तो ये भी प्रॉब्लम थी क्या, दो एलिमेंट को एक ही पोजीशन पे रखना और प्लस ये जो भी एलिमेंट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिसेम्बल नहीं हो रही, ना तो इसके ऊपर वाले से ना तो इसके नीचे वाले से, यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट माने तो ये एट्थ एलिमेंट से नहीं मैच कर रहा, अगर इसको एट्थ माने तो ये फर्स्ट एलिमेंट से नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ है, एक तो ये कमी थी, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिज टेबल न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट्स टूगेदर, दो दो एलिमेंट को भी वो साथ साथ रख दे रहा था, जैसे कि एक ही स्लॉट में, इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट, ठीक है, एक ही स्लॉट में तो रखा रखा, ऊपर से जो कॉलम था वो अनलाइक कॉलम में रख दिया, क्योंकि यहाँ पे चलो हम मानते हैं हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपको पता है मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा बिहेव करता है, तो ये सारे हो गए नॉन मेटल, लेकिन ये तो हो गया मेटल, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टूगेदर इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम, टू का मतलब ये भी गलती कर दी उसने कि एक ऐसे कॉलम में रख दिया कि जो कॉलम था वो अनलाइक कॉलम था, किसके लिए, इन दोनों के लिए, चेक करो कोबाल्ट और निकल के लिए अनलाइक कॉलम था, क्योंकि अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट है, क्योंकि चेक करो फ्लोरीन का फ्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, लेकिन ये आपका कभी भी किसी भी तरीके का हैलाइड नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये नॉन मेटल है, तो यही चीज एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी आप बता सकते हो, फोर्थ प्रॉब्लम ये बता सकते हो कि आयरन को अगर हम, अच्छा आज के जमाने में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मॉडर्न टाइम में कि जो आयरन है बच्चों मेटल है, कोबाल्ट और निकल भी मेटल है, पता है आयरन कोबाल्ट और निकल की केमिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, सुन लो मेटल है कौन, आयरन कोबाल्ट और निकल, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिसेम्बल करनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए लगभग, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या, अगर हम आयरन को फर्स्ट एलिमेंट अज्यूम करते हैं तो आयरन के नीचे यहाँ आना चाहिए था ना कोबाल्ट और निकल, ये कोबाल्ट और निकल यहाँ Se यानी कि सेलेनियम की जगह आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ तो नहीं है, चेक करो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल आयरन से बहुत दूर है, चेक करो इसको अगर हम फर्स्ट अज्यूम करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ यहाँ आना चाहिए था, तो इस तरीके से आयरन काफ़ी फार अवे किससे, कोबाल्ट एंड निकल से, तो ये कमी भी आप यहाँ लिख सकते हो, प्लेसिंग आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन, मतलब कोबाल्ट और निकल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है किसके, आयरन के, कुड नॉट बी एक्सप्लेन, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई।